नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लाइफ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स 11 अगस्त 2020 का कैलेंडर अफेयर्स। ठीक है, तो हम सब आगे चलते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? उत्तर है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। माय डियर फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह जो है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 के अंतर्गत और अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। ठीक है, आपका अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में उपराज है पाल है अनिल बैजल। और मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। आपका अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है? उत्तर है 1 लाख करोड़ रुपए। आपका अगला प्रश्न है, श्रीलंका में किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया दोस्तों, किसने होगा? उत्तर है महिंद्रा राजपक्षे। माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका की दो राजधानी है, एक कोलंबो और दूसरा है श्री जयवर्धनेपुरा कोट। राष्ट्रपति हैं यहाँ के हैं गोतबिया राजपक्षे। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 7 अगस्त को। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? उत्तर है 101। आपका अगला प्रश्न है, आईसीसी ने 2021 में T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? उत्तर है भारत। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आईसीसी की बात किया जाए, आईसीसी की जो स्थापना हुई है 15 जून 1909 को, इसका मुख्यालय दुबई में है। मुख्यालय दुबई। माय डियर फ्रेंड्स, यदि बात किया जाए सीईओ की, तो अभी है मनु साहनी।
आईसी के अंतरिम अध्यक्ष है ख्वाजा। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? उत्तर है दिल्ली। दिल्ली दोस्तों यमुना नदी के, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे शपथ दिलाई है? उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, गिरीश चंद्र मुर्मू कश्मीर राज्य के पहले उपराज्यपाल बने हैं। और माय डियर फ्रेंड्स यदि हम बात करें CAG की, यह है जो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसकी जो संविधान में जगह मिली है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई है? उत्तर है केरल। माय डियर फ्रेंड्स यदि केरल की बात किया जाए तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के CM पिनाराई विजयन है। और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। तो माय डियर फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में बस इतना है, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से हमें मुलाकात होगी। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में यदि आप किसी प्रकार का बदलाव देखना चाहते हैं हमारे फ्रेंड्स तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। यदि आप अभी तक का स्टूडेंट्स लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एवं धन्यवाद।